कोयला भवन मुख्यालय पर सोमवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे वीआरएस अभ्यर्थियों का बीसीसीएल प्रबंधक के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद आमरण अनशन स्थगित हो गया है। अभ्यर्थियों ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ सरायढेला थाना प्रभारी एवं सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों और बीसीसीएल एवं अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता में ये कहा गया कि कोल इंडिया का मैटर है और वहां का मैटर हेतु भेज दिया जाएगा। आपके मामले को फिर से कोल इंडिया में हम लोग भेजेंगे। इसके बाद हम अधिकारियों से वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित कर दिए। लेकिन वीआरएस के अभ्यर्थियों ने प्रेस वार्ता में ये कहा कि आंदोलन जारी रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए हम लोगों को प्रबंधक ने समय दिया है ताकि लंबित मुद्दे को निपटारा हो सके, और फिर जब हम लोग भविष्य में आंदोलन दोबारा करना चाहे तो प्रबंधक द्वारा फिर से कोई आनाकानी की बात नहीं की जाएगी। अगर इस बात को लेकर प्रबंधक हम लोगों के साथ छलावा करती है तो आने वाले समय में कोल इंडिया के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग विशेषज्ञ मुख्यालय कोयला भवन धनबाद में 8/10/2018 को अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम कर रहे थे सभी अपने भाइयों के साथ में, जो कि हम लोग का एक बहुत ही जटिल समस्या 2014 से उत्पन्न होकर के लगातार चल रही थी। स्पेशल फीमेल बिहारे 2014 रिवाइज एवं 2015 स्कीम 58 ईयर्स के तहत, जिसके तहत 3 सालों से लगातार कुछ लोगों का लंबित मामला कह करके नियोजन एवं प्रशिक्षण नहीं दिया गया, खास करके उन माताओं के आश्रित पुत्रों के लिए जिनकी माताएं रिटायर कर गई है। आज भी बीसीसीएल प्रबंधक की घोर लापरवाही के कारण रिटायर की हुई है। हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, संध्या 5 बजे करीबन सुधांशु लहरी साहब प्रबंधक की ओर से आए, बोले कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल है ग्रुप में से कृपया करके आइए, जीएम साहब आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अपना 5 प्रतिनिधिमंडल गए थे, काफ़ी देर तक वार्ता हुई, करीबन 2 घंटा वार्ता चली। वार्ता चलने के दौरान उत्तम भाई साहब ने कहा कि हमको स्पेशल डीपी साहब का आदेश है कि जो भी यहाँ पे वार्ता आप लोग के बीच में होता है वह सब हम लोग निराकरण के तैयार हैं। आपका जो भी मैटर है हम लोग पुनः रिमाइंडर सीआईएल को लिख करके देंगे कि यहाँ पे बहुत तरह का बॉर्डरेशन होने की आशंका है, आश्रित बहुत परेशान है, रिमाइंडर देंगे आप लोग के समीप, हम लोग एक लेटर बनाएंगे, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हो जाइएगा, उसके बाद हम लोग कोल इंडिया भेजेंगे। या सब जब चर्चा हुई उसके बाद अपना ग्रुप से हम लोग डिस्कस करके अपना जो धरना का कार्यक्रम था उसको हम लोग संध्या 7 बजे स्थगित